हेलो एवरीवन, स्वागत है थोड़ा अपने यूट्यूब चैनल 3K लर्निंग पे। उम्मीद करती हाँ तुम सारे ठीक होवोगे तो आपकी प्रिपरेशन्स नू सही ढंग नाल कर रहे होवोगे। तो अज की इस वीडियो दे विच आपां डिस्कस करांगे अपना टॉपिक स्कूल सोसाइटी एंड फैमिली। एदे विच भी आपां 20 MCQs नू कवर करांगे, उहदे बिहाव दे उत्ते ही तुहानू जिहड़ा पेपर दे विच क्वेश्चन्स देखण नू मिल जाणगे। कवर करते हैं आपां अपनी इस वीडियो नू, पर उस तो पहला अगर तुसी चैनल ते नवे हो तो चैनल नू सबसक्राइब कर लो, वीडियो नू लाइक करियो, कंटेंट अच्छा लगे तो शेयर करियो ताकि जिन्हें भी बच्चे ETT एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं उन्हां तक ये वीडियो पहुँच सके। शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 तो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर एज अ प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ फॉर द चिल्ड्रन, यानी कि उन्होंने की कहते हैं, कहते जो बच्चा समाजीकरण के जुड़ता है, समाजीकरण तो की भाव है, समाज के आना, ठीक है, समाज के आना, तो सब तो पहला एजेंट कि होता है जिथे जो बच्चा है वह आके गल करता है, सोशलाइजेशन के जुड़ता है, तो इतने आएगा स्कूल। अगर इस तो पहला दिती होवे ऑप्शन प्ले ग्राउंड तो फिर अपना आंसर जोड़ा है वह प्ले ग्राउंड होएगा, स्कूल नहीं होएगा, क्योंकि स्कूल तो पहला बच्चा जिहड़ा है प्लेग्राउंड दे विच जाके खेलना शुरू कर देता है, उत्थे उहदी सोशलाइजेशन हुंदी है, उस तो बाद उहदी सोशलाइजेशन कित्थे हुंदी है, स्कूल दे विच हुंदी है। पीयर दे विच पीयर ग्रुप कदों बनते हैं, स्कूल दे विच ही पीयर ग्रुप्स बनते हैं, मीडिया का कोई रोल नहीं हैगा, वर्क प्लेस तो आ ही वड्डिया परसनस दे विच गई, तो आपां नूं की चाहीदा सीगा, किस नू बच्चों के लिए समाजीकरण का मुख एजेंट मनिया जाता है, तो मुख एजेंट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की आएगा, स्कूल आएगा। अगे चलते हाँ क्वेश्चन नंबर 2। वट इज़ द मेन परपज़ ऑफ एजुकेशन इन अ सोसाइटी, एजुकेशन दा की परपज़ है, मेन परपज़ की है, समाज दे विच आपां दसना है कि समाज दे विच सिक्ख्या दा मुख उद्देश की है। पहला ऑप्शन है टू प्रिपेयर इंडिविजुअल फॉर द फ्यूचर करियर, कि हर एक बच्चे नू हर एक व्यक्ति नू उदे करियर दे लई तैयार करना। नैक्सट है टू ट्रांसमिट नॉलेज एंड स्किल टू द न्यू जनरेशन, जिहड़ी नवी पीढ़ी तक ज्ञान ते हुनर दा संचार करना। टू प्रमोट सोशल कन्फर्मिटी, यानी कि समाज दे विच अनुकूलता नू बनाई रखना। टू इंस्टॉल द सेंस ऑफ कंपीटिशन अमंग द स्टूडेंट, कि बच्चों दे विच मुकाबले की भावना नू पैदा करना। तो ध्यान रखियो कि एजुकेशन का परपज़ की है, एजुकेशन का परपज़ है कि आपां अपनी नॉलेज नू अपनी नवी जनरेशन तक पहुँचाइए, उन्हूं आपां की कहांगे समाज दे विच एजुकेशन की महत्ता कहांगे। नैक्सट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बेस्ट डिस्क्राइब अ न्यूक्लीयर फैमिली, हेठ लिखिया दे विचों एक न्यूक्लीयर फैमिली का सब तो वधिया वर्णन की है। कहिंदे अ फैमिली स्ट्रक्चर कंप्राइज पेरेंट्स चिल्ड्रन एंड एक्सटेंट देयर रिलेटिव लिविंग टूगैदर, भी एक परिवार का ढांचा जिदे विच माता पिता बच्चे अते इकट्ठे रह के रिश्तेदार शामिल हुंदे हन, उन्हूं न्यूक्लीयर फैमिली कहांगे। या एक परिवार का ढांचा जिदे विच मापे ते उहदे बच्चे ही होण, उन्हूं न्यूक्लीयर फैमिली कहांगे। या फिर एक अजिही फैमिली जिंदे विच सिंगल पेरेंट्स ते चिल्ड्रन हैगे आ उन्हां नूं कहांगे। या फिर एक ऐसी फैमिली जिंदे विच ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स चिल्ड्रन वो सारे इकट्ठे रहिंदे आ, तां न्यूक्लीयर फैमिली कैड़ी हुंदी है, न्यूक्लीयर फैमिली वो फैमिली हुंदी है जिदे विच पेरेंट्स ते उन्हां दे बच्चे जिहड़े आ वो इकट्ठे रहिंदे आ, उन्हां नूं आपां की बोलदे आ न्यूक्लीयर फैमिली कहिंदे हाँ। जॉइंट फैमिली की हुंदी है, जिदे विच सारे दे सारे जिहड़े पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स रिलेटिव जिहड़े आ वो इकट्ठे रहिंदे, उन्हां नूं आपां जॉइंट फैमिली कह दिंदे हाँ। इन अ पार्टिशल फैमिली स्ट्रक्चर द डिसीजन मेकिंग पावर इज़ प्राइमरी हेल्ड बाय, कहिंदे एक पुरखी परिवार ढांचे विच फैसला लैण दी शक्ति मुख तौर ते इन्हां द्वारा कीती जांदी है, तां जिहड़े एक पुरखी परिवार ने उहदे विच जिहड़ी डिसीजन मेकिंग पावर हुंदी है वह किहदे कोल हुंदी है, तां क्वेश्चन नंबर की आएगा डी आएगा, भी जिहड़े अपने पेरेंटल फैमिली है इहदे विच
जड़ी पावर है डिसीजन मेकर दी वो किदे कोल हुंदी है पापा कोल हुंदी है द टर्म ग्रैंड जेंडर सोशलाइजेशन द टर्म जेंडर सोशलाइजेशन रेफर टू द प्रोसैस थ्रू विच लिंग समाजीकरण शब्द उस प्रक्रिया को दर्शाता है जिस राही यानी कि लिंग समाजीकरण शब्द जड़ा है किस चीज़ को दर्शाता है व्यक्ति अपनी लिंग की पछाण कर सकते हैं समाज में लिंग भूमिकावां अते नियमां दी पालना करन लई प्रभावित करता है अते बच्चियां दा पालन पोषण इकले माता पिता वाले परिवार विच ही हुंदा है या परिवार उन्हां दे वंश दे आधार ते संगठित किया जाता है तो लिंग समाजीकरण का मतलब की है कि समाज दे विच व्यक्तियां नूं लिंग दी भूमिका अते उन्हां दे नियमां दे द्वारा जड़ा है सारे चीज़ां नूं दसना ते उन्हां नूं इन्फ्लुएंस करना इंडिविजुअली नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल एजेंट ऑफ द सोशलाइजेशन देखो दो तरह के होंगे है एक हों इनफॉर्मल इनफॉर्मल का मतलब क्या है कि बच्चा जोड़ा सोशलाइजेशन इनफॉर्मल तरीके करता है फॉर्मल तरीके कितने करता है स्कूल दे विच रह के बच्चा जोड़ा फॉर्मल तरीके की सोशलाइजेशन करता है तो जे आप गल करिए इनफॉर्मल की तो फैमिली दे विच हो सकता है वो जोड़े आंढ गुआढ़ ने इनफॉर्मल जी सोशलाइजेशन होंगी है क्वेश्चन नंबर 7 विच टाइप ऑफ सोसाइटी इज करैक्टराइज्ड बाय अ स्मॉल क्लोज नाइट कम्युनिटी वेयर एवरीवन नोज ईच अदर कहिंदे किस किस्म दा समाज एक छोटे नज़दीकी भाईचारे द्वारा दर्शाया गया है जिथे हर कोई एक दूसरे नूं जानदा है तो इहदे च आएगा रूलर सोसाइटी पेंडू समाज जिहड़ा है एक एहो जी सोसाइटी है जिहड़ी छोटी है जिथे हर कोई एक दूसरे नूं चंगी तरह जानदा है वह की आएगा रूलर सोसाइटी अगे चलते हाँ क्वेश्चन नंबर 8 द प्रोसैस ऑफ टीचिंग लर्निंग कल्चर बिलीव्स एंड वैल्यूज इज नोन एज कहते एक ऐसा प्रोसैस जिदे विच आपां सभ्याचार विश्वास ते कदरां कीमतां नूं सिखाने आ उन्हूं आपां की कहांगे तो उन्हूं आपां कहांगे सोशलाइजेशन ना तो सैग्रीगेशन कहांगे ना एलिमिनेशन कहांगे ना ही प्लूरलिज्म कहांगे अगे आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनीफिट ऑफ कल्चर डाइवर्सिटी इन द सोसाइटी कहिंदे साडे सोसाइटी दे विच कल्चर दी डाइवर्सिटी होना यानी कि कल्चर दा अलग अलग होना उहदा की फायदा है कहिंदे रिड्यूस कन्फलिक्ट एंड डिसएग्रीमेंट यानी कि भी इहदे नाल जिहड़ा है कन्फलिक्ट ते जिहड़े असहमतियां ने वह घटदियां ने नहीं इस तरह नहीं हुंदा कहिंदे रवायती अभ्यासों की संभाल यानी कि जिहड़ा प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस भी आप आदि ट्रेडिशनल प्रैक्टिस नूं की करते हाँ संभाल के रखते हाँ या फिर आंदा कहिंदा इनक्रीज द सोशल कन्फर्मिलिटी भी आप इनक्रीज कर दें साडी जिहड़ी अनुकूलता समाजिक अनुकूलता लिमिटेड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड नॉलेज इत्थे आइडियाज़ ते नॉलेज जिहड़ियां ने अनलिमिटेड हुंदियां ने इहदे नाल इनक्रीज नहीं हुंदी सोशल कन्फर्मिलिटी इस एक्चुअल दे विच की है भी असी आपदे जिहड़े पुराने ट्रेडिशनस ने उहनां नूं संभाल के रखते हाँ क्योंकि आपां ने जिहड़े कल्चर डाइवर्सिटी बहुत अलग अलग मिलती है आप आपदी कल्चर नूं की करते हैं सांभ के रखते हाँ अगे आते हाँ क्वेश्चन नंबर 10 ते कहते द कंसैप्ट ऑफ हिडन करिकुलम रैफरेंस टू लुके हुए पाठक्रम की धारणा की है इन्दे जांदे एजुकेशनल प्रैक्टिस दैट प्रमोट सोशल इनएडिक्विटी एंड डिस्क्रिमीनेशन कहिंदे कि इहदे विच विद्यक अभ्यास जिहड़े कि समाज दे विच असमानता ते वितकरे नूं की करदे आ उत्साहित करदे आ उहनूं रख्या जांदा है या फिर अन ट्रेडिशनल लैसन टोट स्कूल्स थ्रू द करीकुलम पाठक्रम राही स्कूल विच अनजाने विच पढ़ाए जाते वाले पाठ जिहड़े ने उहनूं आपां लुकिया होया पाठक्रम कहिंदे आ भाव की है कि भी जिहड़ा पाठक्रम यानी कि सिलेबस दे विच दित्ता नहीं होया मैनशनड नहीं है बट स्टिल फिर भी आपां एक्टिविटीज़ दे थ्रू बिना किसी बुक दे आपां उहनूं करवा दिता उहनूं आपां की बोलांगे लुकिया होया पाठक्रम
Which sociological perspective emphasizes the role of school in maintaining social order and stability? कहिंदे केड़ा समाजिक विज्ञान दृष्टिकोण समाजिक व्यवस्था अते स्थिरता नू कायम रखन विच स्कूल दी भूमिका ते जोर दिंदा है, ते एदा जड़ा उत्तर आएगा दैट इज़ अ फंक्शनलिज्म, कार्यशीलता जड़ी है वो एक अजिहा दृष्टिकोण है जड़ा स्कूल नू एक रोल प्रोवाइड करवांदा है कि भी वो दी जड़ी समाजिक व्यवस्था ते स्थिरता नू कायम रखे। अगे चलते हाँ क्वेश्चन नंबर 12 ते, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मैनीफेस्ट फंक्शन ऑफ द स्कूल, कहते हेठ लिखा विचों केड़ा स्कूल दा एक प्रगट कार्य दे उदाहरण हैं, कहते फोस्टरिंग क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग, कि भी जड़ी आपा क्रिटिकल थिंकिंग नू इंप्रूव करांगे, एनकरेज कंपटीशन ऑफ द स्टूडेंट, आपा कंपटीशन एनकरेज नहीं करना, प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर द वर्कफोर्स, बच्चों नू वर्कफोर्स दे लई तैयार करना ही जड़ा एदा एक मेन फंक्शन है। अगे गल करते हाँ क्वेश्चन नंबर 13 ते, विच फैमिली स्ट्रक्चर इनकलूड टू और मोर जनरेशन लिविंग टूगैदर एंड शेयरिंग रिस्पोंसिबिलिटी, कहिंदे केड़ी फैमिली है जिथे दो या दो तो ज़्यादा जनरेशन रहिंदियां ने ते आपदी जिहड़ी रिस्पोंसिबिलिटीज़ ने उन्हां नूं शेयर करदियां ने, तां इह केड़ी फैमिली होएगी, एक्सटेंडेड फैमिली होएगी। अगे चलते हाँ क्वेश्चन नंबर 14 ते, विच सोशल इंस्टीट्यूशन प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन बाय ट्रांसमिटेड कल्चर वैल्यू एंड नॉर्म्स, कहिंदे केड़ी समाजिक संस्था है जिहड़ी साडे सभ्याचार दी कदरां कीमतां उन्हां दे नियमां उन्हां दे संचार नूं बच्चियां दे विच समाजीकरण करन दे लई महत्वपूर्ण भूमिका निभाउंदी है, तां इहदे च की आएगा एजुकेशन आएगी जिहड़ी की करदी है सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट चलते हाँ क्वेश्चन नंबर 15 ते, विच इज़ द प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड, देखो हुण इहदे विच की आएगा अर्ली चाइल्डहुड आ गया, तो अर्ली चाइल्डहुड दे विच सब तो पहला कौन आएगी, फैमिली आएगी। देखो सोशलाइजेशन आपां कीता सी ना उहदे च फैमिली ऑप्शन नहीं सीगी, तो उहदे विच स्कूल ऑप्शन सीगी, तो स्कूल तो छोटा जिहड़ा की आएगा फैमिली आएगी, कि सब तो पहला बच्चे दी जिहड़ी फैमिली दे विच की होएगी सोशलाइजेशन होएगा। क्वेश्चन नंबर 16 ते चलते हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कॉमन फंक्शन ऑफ स्कूल्स इन मॉडर्न सोसाइटी, कहते केड़ा कॉमन फंक्शन है स्कूल्स दा मॉडर्न सोसाइटी दे विच, फैसिलिटेट पोलिटिकल रेवोल्यूशन, उन्होंने पोलिटिकल रेवोल्यूशनस दे बारे दसना नहीं, कहते ट्रेडिशनल बेनीफिट बिलीफ्स एंड उन्हां दी प्रैक्टिस करवाना, भी जिहड़े साडे पुराने ट्रेडिशनल जिहड़े विश्वास ने या अभ्यास ने उन्हां नूं की करना, मजबूत करना। फिर कहिंदे प्रमोटिंग कल्चर रिलेटिविज़म, कि सभ्याचार दे सवपेखवाद नूं की करना, उत्साहित करना, ये भी ऑप्शन गलत है। एनकरेज इंडिविजुअलिज़म, व्यक्तिवाद नूं कदे भी आपां उत्साहित नहीं करांगे। क्वेश्चन नंबर 17, विच टाइप ऑफ सोसाइटी इज़ करैक्टराइज्ड बाय एडवांस टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फोकस ऑन द सर्विस ऑफ इंडस्ट्री, कि किस किस्म दे समाज दी विशेषता उन्नत तकनीकी तकनीकी बुनियादी ढांचे दियां सेवावां उपर केंद्रित है, यानी कि केड़ी एहो जी सोसाइटी है जिहड़ी की करदी है एडवांस टेक्नोलॉजी ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਫੋਰਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੋਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪੋਸਟ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਕਲੀਅਰ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 18 'ਤੇ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪਰਪਸ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਨ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਕੀ ਪਰਪਸ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਮੋਟ ਦਾ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲਿਜ਼ਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, इनफोर्स द कन्फर्मिटी अनुकूलता नू लागू करना नहीं करना, टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड स्ट्रक्चर, कि आपां स्ट्रक्चर ते स्टेबिलिटी दोनों प्रोवाइड कराइए। क्लीयर, उस तो बाद चैलेंज तो आपां कल्चर नू करना ही नहीं हैगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल लर्न नॉलेज लैंग्वेज एंड वैल्यूज देयर कल्चर नोन एज, कहिंदे भी एक अजिही प्रक्रिया जिहदे नाल व्यक्ति अपने सभ्याचार दा ज्ञान भाषा मुल सीखते हैं उन्हों आपां की कहने हाँ, तो इहदा ऑप्शन आएगा
संस्कृति यानी कि एनकल्चराइजेशन, जिदे थ्रू आप नॉलेज सीखते हाँ, लैंग्वेज सीखते हाँ, वैल्यू सीखते हाँ आपदे कल्चर की। अगे चलते हाँ क्वेश्चन नंबर लास्ट, दैट इज 20th, विच सोशलोजिकल परस्पेक्टिव एम्फसाइज रोल ऑफ स्कूल इज रीप्रोड्यूसिंग सोशल इनइक्वलिटी एंड मेनटेनिंग द स्टेटस क्यू। कहते हैं कि कड़ा समाजिक विज्ञान दृष्टिकोण समाजिक असमानता द्वारा पैदा करन अते स्थिति नू कायम रखन विच स्कूलों की भूमिका दे उते की करता है, जोर पाता है। तो इत्थे आएगा कन्फलिक्ट थ्यूरी, ये क्वेश्चन याद करन वाला सीगा, तो इहनू तुसी एज इट इज़ याद ही कर लेना, ठीक है। तो इत्थे जिहड़ा है अपने 20 क्वेश्चनस कवर हुंदे ने, उम्मीद करदी हां तुहानू 20 क्वेश्चनस समझ आए होंगे। किसी भी प्रकार की दिक्कत आए तो वीडियो में एक बार स्लो करके सुन लेना, फिर भी अगर समझ ना आए तो इस दिए गए नंबर के उत्ते मैसेज मैं कर देना, तो मैं तुम्हें अपने आप ही वो क्वेश्चन जोड़ा रिपीट दस दूँगी। अदरवाइज़ तुम वट्सएप ग्रुप के भी मैसेज कर सकते हो, वह लिंक जोड़ा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिता हुआ है, तो बाकी जिन्हें सबजैक्ट्स ने सारे की प्लेलिस्ट भी थानू जी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के दी हुई है, उतो जुड़ के तुम आपके जोड़े बाकी के सबजैक्ट्स ने उन्होंने भी कवर कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मीट यू सून विद न्यू वीडियो।